शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो ग्रेटर नोएडा से आ रही है। ग्रेटर नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दो गार्ड के पास से 2 किलो 450 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। तकरीबन 2.5 किलो गांजा बरामद हुआ है एमिटी यूनिवर्सिटी के दो गार्ड्स के पास से। आपको बता दें कि नॉलेज पार्क थाना इलाके से गिरफ्तारी हो चुकी है दोनों गार्ड्स की। एमिटी यूनिवर्सिटी में ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे, जिनका नाम संतोष और नवीन बताया जा रहा है। और 2.5 किलो गांजा तकरीबन मिला है इन दोनों गार्ड से पुलिस को। दो गार्ड हैं जो एमिटी यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं और ये गांजा लाकर और छात्रों को बेचते थे वहाँ पर। एक नवीन मिश्रा जिससे 1.25 किलो गांजा बरामद हुआ है और दूसरा संतोष जिससे 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। लाते कहाँ से थे ये, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। इससे पहले भी जेल गए हैं? इससे पहले कोई इनका आपराधिक इतिहास भी नहीं मिला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या कुछ वजह पुलिस जान पाई है इतना ज्यादा गांजा इन दो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास आखिर था क्यों? तो बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ अब आगे की पूछताछ चल रही है। फिलहाल बात यही है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एमिटी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ के गार्ड अगर ये काम कर रहे थे, वहीं के छात्रों को बेच रहे थे गांजा, तो आखिर एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रशासन को पता कैसे नहीं चला? और सबसे बड़ी बात कि जो थाना यहाँ लगता है एमिटी यूनिवर्सिटी का, हो सकता है 39 लगता है, उस थाने की लोकल पुलिस को पता कैसे नहीं पड़ा? जो यहाँ पर चौकी इंचार्ज है उन्हें पता कैसे नहीं चला? जो तमाम जो पीसीआर घूमती उन्हें पता कैसे नहीं चला? ये बड़े सवाल है। जो गिरफ्तारी हुई है वो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके जो क्षेत्र है वहां से हुई है। दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, बताया जा रहा है कि एक गार्ड है जो वही काम करता था और अब जांच ये की जाए कि इसके पास गांजा आखिर गार्ड के पास आता कहां से था, कौन है जो गार्ड को सप्लाई कर रहा था, क्योंकि गार्ड एक बहुत ही छोटी यूनिट लग रहा है। बड़ा रैकेट कहां है, कहां नेक्सस काम कर रहा था? बिल्कुल, तो ये अब जांच के बाद उम्मीद की जाती है कि पुलिस सामने रख पाएगी तमाम तथ्यों को। बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, ये तमाम जानकारी साझा करने के